हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशल लाइफ। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज शोनार बंगला और यह है एपिसोड 16। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश में चल रहे पावर क्राइसिस के बारे में, उसी के साथ साथ आपको बांग्लादेश की इंस्टॉल कैपेसिटी भी बताएंगे और जो भी बांग्लादेश में बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसी के साथ साथ बांग्लादेश की पावर जनरेशन के फ्यूचर प्रोजेक्शन भी देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेपाल, पेटीएम, पेट्रियन इन तीनों पर डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं लाइव, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले 10 साल में बांग्लादेश की पावर जनरेशन कैपेसिटी तेजी से बढ़ाई गई है। जो 2010 में 7000 मेगावाट थी वो 2017 तक 16000 मेगावाट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अभी भी बांग्लादेश को बहुत पावर की जरूरत है। इसका बड़ा कारण ये है दोस्तों कि बांग्लादेश का अगर हम पावर पर कैपिटा कंजम्पशन देखेंगे तो वो 1000 किलोवाट पर आवर से भी नीचे, इसको मिनिमम 3000 किलोवाट पर आवर से ऊपर होना चाहिए, तभी बांग्लादेश में सभी घरों में स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी होगी। अभी दोस्तों, बांग्लादेश में पीक आवर्स में 4 से 6 घंटे रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। और दोस्तों, बांग्लादेश में 2010 में 45% लोग इलेक्ट्रिसिटी कवरेज में थे, अभी 2018 में दोस्तों 80% से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिसिटी कवरेज में आ चुके हैं। और गवर्नमेंट का टारगेट यह है कि 2020 से पहले 100% हाउसहोल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाए। और इसके लिए दोस्तों, बांग्लादेश को और पावर जनरेशन की कैपेसिटी चाहिए। और दूसरा बड़ा कारण यह है दोस्तों, बांग्लादेश 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने वाला है 2030 तक। और इसको बनाने के लिए और चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी और इसमें कई इंडस्ट्रियल जोन भी बनाए जा रहे हैं। और इस इकोनॉमिक जोन को बनाने की पूरी जिम्मेदारी बेजा बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी की है। और दोस्तों, हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है बांग्लादेश की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर, अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पे इस आई बटन को क्लिक करके पूरा वीडियो डिटेल में देख सकते हो। इसी कारण बांग्लादेश में पावर जनरेशन कैपेसिटी पे तेजी से काम किया जा रहा है। और बांग्लादेश की पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड तेजी से इस पर काम कर रहा है। और दोस्तों, बांग्लादेश की अच्छी फॉरेन पॉलिसी होने के कारण बांग्लादेश को पावर कैपेसिटी बढ़ाने में चाइना, इंडिया, जापान बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम कुछ पावर प्लांट जो बांग्लादेश में बनने वाला है और उससे बांग्लादेश की पावर प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और बांग्लादेश की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी में से 50% से ज्यादा नेचुरल गैस से किया जाता है। लेकिन दोस्तों, नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। इसी कारण बांग्लादेश तेजी से पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है और दूसरे ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर कर रहा है। और इसीलिए बांग्लादेश ने कोर पावर प्लांट्स को बनाने की कोशिश शुरू कर दी। दोस्तों, बांग्लादेश में 2015 से लेकर 2017 दिसंबर तक 27 नए कोल पावर प्लांट्स का प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए गए हैं। और बांग्लादेश 2021 में अपनी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी को 24,000 मेगावाट से ऊपर ले जाना चाहता है। आपको बता दूं, बांग्लादेश में सिर्फ 2% की पावर जनरेशन कैपेसिटी कोल से की जाती है, उसको 50% के ऊपर ले जाने का टारगेट है। आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों, 2030 तक बांग्लादेश की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 40,000, 2040 तक 60,000 मेगावाट बनाने का प्लान लगाया गया है। और यहाँ पे बांग्लादेश के इस टारगेट को अचीव करने के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसमें नए नए ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, चाइना, इंडिया, जापान बांग्लादेश की इस पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों, 2016 में एक अग्रीमेंट हुआ बांग्लादेश और चाइना के बीच में कोल पावर प्लांट्स को लेकर। सबसे बड़ा कोल पावर प्लांट चिटागोंग में बनाया जा रहा है, जिसे बांशकाली पावर स्टेशन भी कहते हैं। इसकी कीमत $2.5 बिलियन एस्टिमेट की गई है। ये बांग्लादेश के एस आलम ग्रुप और शेंडोंग इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। दोस्तों, ये पावर प्लांट 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद 1.2 गीगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा दोस्तों, बांग्लादेश और चाइना के बीच में एक और अग्रीमेंट हुआ है पटुआखाली में पावर प्लांट बनाने के लिए। दोस्तों, इसकी कीमत $2 बिलियन एस्टिमेट की गई है और ये बांग्लादेश गवर्नमेंट एंटिटी रूरल पावर कंपनी लिमिटेड के साथ और नोरिंको इंटरनेशनल के बीच में हुई है। ये भी 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद 1320 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके बाद दोस्तों, और एक बड़ा कोल पावर प्लांट जो चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो है पैरा कोल फायर पावर प्लांट। ये चाइना पावर कंपनी लिमिटेड और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। दोस्तों, ये $1.5 बिलियन का है और इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 1200 मेगावाट्स है। इसके अलावा दोस्तों, 2018 में एक और एग्रीमेंट हुआ बांग्लादेश और चाइना के बीच में एक और कोल पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए। ये पावर प्लांट महेशखाली
आइलैंड पे बनाया जाएगा जो कॉक्स बाजार में है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट $2 बिलियन है और ये बनने के बाद 1320 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। दोस्तों जितने भी कोल पावर प्लांट्स बांग्लादेश में बन रहे हैं उसमें से करीब आधे कोल पावर प्लांट्स चाइनीज कंपनीज बना रहे हैं और दोस्तों उनका ऐसा कहना है कि जितने भी पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे वो क्लीन कोल पावर प्लांट्स होंगे। और दोस्तों जापान भी 6 बड़े प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में बना रहा है जिसमें से ढाका मेट्रो रेल, मटारबरी पोर्ट और मटारबरी कोल पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट की कीमत $660 मिलियन एस्टिमेटेड है और ये 1100 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। दोस्तों ये पावर प्लांट 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इंडिया भी एक पावर प्लांट बांग्लादेश में बनाना है, रामपाल कोल पावर प्लांट। ये पावर प्लांट का एग्रीमेंट इंडिया की एनटीपीसी और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट लिमिटेड के बीच में हुआ है और दोस्तों इस पावर प्लांट को बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रही है। दोस्तों इस पावर प्लांट को 2020 तक कम्प्लीट करने का एस्टिमेशन है और ये बनने के बाद 1300 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। लेकिन दोस्तों इस पावर प्लांट पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि इस कोल प्लांट के 9 किलोमीटर की दूरी पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है और ये कोल पावर प्लांट बनने से उसको खतरा है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया की अदानी पावर लिमिटेड कंपनी अब तक का अपना सबसे बड़ा पावर प्लांट बना रही है। ये पावर प्लांट कंप्लीट होने के बाद इसकी इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को भेजी जाएगी। दोस्तों इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 1600 मेगावाट तक एक्सपेक्ट की गई है। बांग्लादेश का अब तक का लार्जेस्ट पावर प्लांट रूपपुर में बनाया जा रहा है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी टोटल कैपेसिटी 2.4 गीगावाट है। उसका टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड है $12 बिलियन और इसकी पूरी फंडिंग रशिया कर रहा है और इसका कंस्ट्रक्शन रशिया की रॉस एटम स्टेट एनर्जी कॉर्पोरेशन कर रही है और उसी के साथ साथ इंडिया भी रशिया और बांग्लादेश को इस पावर प्लांट बनाने में नॉन क्रिटिकल एरियाज में सहायता कर रहा है। दोस्तों 2023 तक इसका फेस वन कंप्लीट होगा, 1.2 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और 2024 तक पूरा रूपपुर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद 2.4 गीगावाट तक ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इस पर भी हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके और उस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े पावर प्लांट जो बांग्लादेश में बन रहे हैं। अगर ये सभी पावर प्लांट कंप्लीट हो जाते हैं तो 2021 तक बांग्लादेश की पावर जनरेशन कैपेसिटी 24,000 से ज्यादा और 2024 तक 30,000 से ज्यादा पहुंच जाएगी। और दोस्तों जो भी बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है वो 2021 तक खत्म किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है क्योंकि जितने भी पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं वो सभी कोल पावर प्लांट्स हैं और अपोजिशन वालों का मानना है कि इससे हमारे एनवायरमेंट को बहुत खतरा होगा। और दोस्तों कुछ जगह पर तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट का सामना भी करना पड़ रहा है और इसका जवाब देते हुए बांग्लादेश की गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम वर्ल्ड की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है और सोलर एनर्जी के पावर प्लांट्स को लगाने के लिए बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत है जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे अच्छी बात यह है दोस्तों कि बांग्लादेश में इंडिविजुअल्स तेजी से सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों बांग्लादेश में 40 लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिविजुअली इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे कंज्यूम कर रहे हैं। दोस्तों ये 14% की बांग्लादेश की पॉपुलेशन है जो इंडिविजुअली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रही है। और दोस्तों बांग्लादेश वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर रही है। और अब अगला टारगेट यह है दोस्तों 2021 तक 4.2 मिलियन के इस नंबर को 6 मिलियन के ऊपर लेकर जाना और इसके लिए वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को बहुत हेल्प कर रहा है और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने $55 मिलियन की फंडिंग अनाउंस कर दी है बांग्लादेश में सोलर होम सिस्टम्स को एक्सपैंड करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और जो नेशनल ग्रिड सिस्टम है उसको एक्सपैंड करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $560 मिलियन का बांग्लादेश को लोन भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर हम इस पूरे वीडियो को दोस्तों एक लाइन में अगर कहेंगे तो हमें यह पता चलता है कि बांग्लादेश तेजी से पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। अगर 2024 तक बांग्लादेश की पावर जनरेशन कैपेसिटी 30,000 से ज्यादा हो जाती है तो जो बांग्लादेश का डोमेस्टिक डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जो बांग्लादेश में इंडस्ट्रियल जोन एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं उससे भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा इस पे इशू ये है दोस्तों कि एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट इससे पड़ सकता है। दोस्तों हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए और हमें 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में हेल्प कीजिए। जैसे ही हमारा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर चला जाएगा हम Q&A वीडियो करेंगे, आपके सभी सवालों का हम जवाब देंगे। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे किस टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी हमें नीचे बता दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।